वंदे हम श्रीगुरु श्रीउदपकमल श्रीगुरु वैश्वांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीव साद्वैतम सवधूत परिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्विता यसाद भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादा न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तु वंस्तस्य वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गोर्विषे नमः हे कृष्णाकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपेशगोपिकान्त राधाकान्तनमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तम नमा हरि प्रिय जय रूप सनादन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छे गुसाईर कोरी चरण बंदन जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय जय श्याम कार्तिक मास के व्रत के उपलक्ष्य में हम बहुत ही सुंदर विषय पर चर्चा करते चले आ रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बहुत अच्छी तरह से हमें बता रहे हैं कि एक मंजरी भाव उपासक की क्या इच्छा होती है उसकी क्या प्रार्थनाएं होती हैं अभीष्ट श्री चरणों में और आज वो ये बता रहे हैं कि मंजरी भाव उपासना में सिद्धि की बात हो श्री राधा कृष्ण विषयक प्रेम प्राप्ति की बात हो अनर्थों की निवृत्ति की बात हो चित्त की शुद्धता की बात हो हर बात के लिए आश्रय केवल एक है और वो हैं हमारे प्यारे गुरुदेव और उनके अनुगत्य में श्री निताई गौर श्री अद्वैत प्रभु और अन्य समस्त गौर पार्षद हम यही प्रार्थना सुन रहे थे इसी का स्वादन कर रहे थे लालसा आइए एक बार फिर से लालसा क्या है श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की उसके बारे में सुनते हैं जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद कृपा कोरी सबे मिली करहु करुणा अधम पतित जने ना करहु घृणा ए तीन संसार माझे तू आ पद सार भाविया देखी नु मने गति नहीं आर से पद पाबार आशे खेद उठे मने व्याकुल हृदय सदा करिए क्रंदने की रूपे पाई वो किचु ना पाई संधान प्रभु लोकनाथ पद नाहिक स्मरण तुम्हें तो दयाल प्रभु चाहो एक बार नरोत्तम हृदय घुचाओ अंधकार तो हम अपने प्यारे गुरुदेव श्री श्री गुरुदेव उनके सुधाकणी का व्याख्या का अनुगत्य लेकर के समझने का प्रयास कर रहे थे कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के हृदय में क्या भाव थे जिस समय उन्होंने ये प्रार्थना बोली है गुरुदेव ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति इस विशेष कलयुग में अति रहस्यमय श्री राधा माधव की सेवा चाहता है तो उसे भगवान श्री गौरचंद्र के चरणों में शरणागति लेनी होगी गौरहरी के बिना नित्यानंद प्रभु के बिना इस रहस्यमय सेवा को प्राप्त करना नामुमकिन है असंभव है तो गौरचरण की शरणागति और उनकी करुणा यही हमारा एकमात्र संबल है यही हमारा सहारा है इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि हे कृपा मैं महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य आपकी जय हो आप सर्वोत्कर्ष के साथ विराजित होइए आपका उत्कर्ष बना रहे है ना देखिए जो स्वयं सर्वोत्कर्ष हैं गौरहरी अब हम उनके लिए क्या कहें वो तो परावधि है वो तो सीमा है परतत्व की लेकिन फिर भी जब बहुत प्रेम आ जाता है ना हृदय में तो भक्त भगवान तक को आशीर्वाद देता है कि आपका यश गान होता रहे प्रभु आपकी जय हो जय हो जय हो आपका उत्कर्ष बना रहे <laughs> है ना ये मतलब भक्त के हृदय का जो प्रेम है ना वो भगवान को भक्त के बहुत करीब ले आता है भगवान बिल्कुल अपने हैं मेरे अपने हैं गौरचंद्र और इसलिए मैं चाहता हूं कि उनका सर्वोत्कर्ष बना रहे सर, सर्वोत्कर्ष के साथ वो विराजित हो तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आपने विश्व मानो मानवों को श्री कृष्ण का ज्ञान करा के या प्रेम देकर धन्य किया है इसलिए आप श्री कृष्ण चैतन्य हैं इस दीनाती दीन के चित्त में एक बिंदु प्रेम देकर श्री राधा माधव के प्रेम सेवा देकर इसे धन्य करो महाप्रभु से क्या मांग रहे हैं क्या आप एक बिंदु प्रेम दे दीजिए मुझे तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद को प्यासे हम और सच में हमारे जो गौर सुंदर हैं वो तो हैं ही प्यार के असीम सिंधु क्योंकि महाभावती श्री राधा रानी को अपने अंदर लिए हुए हैं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण श्री राधा रानी की महाभाव और अंगकांति के साथ जुड़ करके के एक हो गए हैं और वो हो गए हैं गौरचंद्र तो जिनके अंदर महाभाव है जो संधनी, संवित और आह्लादनीय शक्तियों को अपने में समेटे हुए हैं और जहाँ अहलादनी शक्ति की ये जो रस वैचित्री है वही मुख्य है जो कि ब्रजेंद्र नंदन को भी अपना माधुर्य आस्वादन कराने में पूर्णतया सक्षम है जो उनके समस्त वांछाओं को पूर्ण करने में सक्षम है तो ऐसे जो पर देवता हैं जो भगवान हैं वो असीम हैं उनके अंदर जो प्रेम है वो असीम है और उस असीम प्रेम से मात्र एक बूंद की ही इच्छा प्रकट कर रहे हैं गुरुदेव एक बूंद प्रेम दे दीजिए जीव के लिए एक बूंद प्रेम बहुत हुआ जा रूप एक कण डुबाए सर्वभुवन तो जिस प्रेम का भी एक कण त्रिभुवन को प्लावित कर सकता कर सकता है उसका सामर्थ्य है त्रिभुवन को डुबोने का तो ऐसे परम दुर्लभ प्रेम को मांग रहे हैं क्योंकि हमारे जो गौरचंद्र हैं वो हैं प्रेम रूपी चिंतामणि के सिंधु ये जो प्रेम रूपी जो सुधा है प्रेमामृत गौरचंद्र की करुणा के वजह से ही समझ में आता है कि ये प्रेमामृत है क्या और उसका एक बिंदु अगर किसी को मिलता है तो वो भी उन्हीं की करुणा से मिलता है और वो बहुत करुणामय है तो मानो कि उन, उन्हें उनकी करुणा की याद दिला करके कि प्रभु याद है ना आपको आपने अपनी करुणा को अपनी लीला में स्वतंत्र छोड़ा हुआ था कि हे करुणे जिस तिस को देखना तुम उस पर कृपा करना मेरी आज्ञा की परवाह ना करना ऐसे ही आप करुणा के सिंधु हैं आप हम पर करुणा कीजिए हमें एक बिंदु प्रेम दीजिए और श्री राधा माधव के प्रेम सेवा देकर हमें धन्य कीजिए तो तुम्हारी करुणा को छोड़कर तुम्हारी करुणा को छोड़कर श्री राधा कृष्ण की प्रेम सेवा पाने का कोई उपाय नहीं है या तुम्हारे अपने चरण की सेवा पाने का कोई उपाय नहीं है हरि और राधा कृष्ण दोनों एक ही हैं ये तो आपको पता ही हो गया होगा हु? कृपा कर इस दीन जन की अभिलाषा पूरी करो। आप दीन बंधु हैं ना दीन जन आपको बहुत प्यारे हैं आप ही तो कहते हैं तृणादपी सुनीचेन तरूरी ही सुना मानिना मानदेन कीर्तिहा सदा कि जो तरु से भी अधिक सहनशील होगा जो तृण से भी अधिक अपने को अधम समझेगा जो दूसरों को मान देगा और अपने मान की कोई अपेक्षा नहीं रखेगा वो हमेशा हरि का यानी आपका कीर्तन कर सकता है तो प्रभु मेरे पास तो श्री राधा माधव का प्रेम किंचित भी नहीं है लेश मात्र भी नहीं है प्रेम के गंध तक नहीं है और शास्त्रों से सुना है साधु मुख से सुना है गुरु मुख से सुना है कि इस प्रेम के बगैर व्यक्ति का जीवन निरानंद है वो कंगाल है वो बेकार है आत्मा की जो खुराक है वो है प्रेम और इस प्रेम से जो श्री राधा कृष्ण का माधुर अनुभव में आता है जो प्रेम से सेवा हमें प्राप्त होती है उनकी बस वो है संपत्ति और इस संपत्ति के मालिक भंडारी आप हैं ये आपके भंडार की संपत्ति है तो प्रभु आप इस दीन जन की अभिलाषा पूरी कीजिए क्योंकि इस प्रेम के बिना तो मैं दीन ही हूँ क्या औकात है मेरी किस चीज पर गर्व करूं रूप पर जो जड़ है धन पर जो जड़ है पुत्र पुत्री पर जो जड़ीय संबंध है माइक हैं किस को के खड़ा रहूं कि जो हमेशा मेरा साथ निभाएगा प्रभु मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया है कि इस जगत में मेरा साथ निभाने वाला कोई नहीं है सिर्फ आप हैं आपके चरण को छोड़कर मेरे लिए और अन्य जगह कहीं ठोर नहीं है तो इस बात को समझ करके के मेरे अंदर से सारे गर्व समाप्त तो हो गए हैं आपकी कृपा हुई है तो मैं दीन जन हूं प्रभु आप मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए कि मुझे अपने प्रेम का एक बिंदु ही दान दे दीजिए गुरुदेव लिखते हैं आगे कि हा सीतापति अद्वैत चंद्र पहले नित्यानंद प्रभु के चरणों में गुहार लगाई श्री हरि के चरणों में गुहार लगाई आ रहे हैं रो रहे हैं गौरांग महाप्रभु के चरणों में श्री अद्वैत चंद्र प्रभु को कह रहे हैं। कह रहे रहे हैं हैं कि प्रभु आपने निताई गौर को ला कर, विश्व को लाकर ब्रज के उन्नत उज्जवल रस से युक्त मंजरी भाव का आस्वादन देकर धन्य या कृतार्थ किया है इसलिए आप सर्वोत्कर्ष के साथ विराज रहे हो गौरहरी हमारे बुलाने पर नहीं आए सत्य बात यही है कि श्री अद्वैत चंद्र ने हमारे प्यारे भगवान अद्वैत प्रभु ने अगर कृपा नहीं की होती अगर उन्होंने शालिग्राम शिला पर तुलसी और गंगा जल डाल करके आर्तनाद नहीं किया होता विवल नहीं हुए होते व्याकुल नहीं हुए होते हाहाकार नहीं किया होता आरती उत्कंठा मैं करुण स्वर में पुकारा नहीं होता तो गौरांग महाप्रभु नहीं अवतरित होते उनकी करुण पुकार सुनकर ही वो आए हैं और पुकारा क्यों अद्वैत प्रभु ने क्योंकि श्री अद्वैत प्रभु ने देखा कि कोई भी भगवान का नाम नहीं लेता किसी को भी भगवत रस का पता नहीं लोग आनंद बाहर की चीजों में ढूंढते हैं कुत्ते बिलियों के ब्याह में वो लोग आनंद ढूंढते हैं बेटियों की बेटों की ब्याह करते हैं तो उसमें सारा पैसा खर्च करते हैं रात भर देवी का जागरण करते हैं पर किसी को नहीं पता कि इन सब उपायों से उन्हें आनंद नहीं मिलेगा आनंद की प्राप्ति है सिर्फ ब्रज जातीय प्रेम में और उस पर भी यदि वो प्रेम श्रृंगार रसात्मक हुआ यानी कि प्रिया प्रियतम की सेवा जहाँ पर मिलती है अगर वो प्रेम हासिल हुआ तो उसकी बात ही कुछ और है पर उस प्रेम के प्रदाता यानी ब्रज जातिया प्रेम श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं दे सकता कृष्ण ही ब्रज जातिया प्रेम प्रदान कर सकते हैं परंतु वो तभी होगा जब उनके साथ बहुत अधिक करुणा का समावेश होगा और बहुत अधिक करुणा जो कहिए कि करुणा ही से बनी हुई है वो है श्री राधा रानी उनके महाभाव को लेकर के श्याम सुंदर इतने करुण हो गए इतने करुण हो गए कि उन्हें पात्र अपात्र कुपात्र सुपात्र कुछ देखा ही नहीं जिसे देखा उसे कृष्ण प्रेम दान कर दिया जानवरों तक को दे दिया जानवरों तक को ऐसा प्रेम दिया कि उनको उनका स्वरूप दिख गया कि हम श्री राधा की दासियां हैं और हम कहां पड़ी हुई हैं तो गौरहरी की इतनी कृपा हुई सब पर हम्म तो ऐसे अद्वैत प्रभु को प्रणाम है गौरांग महाप्रभु को जो लाए उन्हें गौर आना गोसाई कहते हैं और गौरांग महाप्रभु आए तो नित्यानंद प्रभु भला दूर कैसे रह सकते हैं वो भी चले आए तो इन दोनों की करुणा हम पर पड़ी हम समस्त कलयुग के जो जीव हैं कलिहत जीव हैं हम सब उनकी करुणा में स्नात तो हो रहे हैं करुणा की वर्षा हो रही है है ना क्योंकि हम उनका नाम गान करते हैं उनकी लीला गान करते हैं उनके नामों का जप करते हैं उनकी कथा पढ़ते हैं सुनते हैं यही तो करुणा है और ये ही प्रेम देने में समर्थ हैं ये प्रेम दाता गुसाई हैं तो उनसे ही प्रेम मांग रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि आपने निताई गौर को लाए सीतापति श्री अद्वैत चंद्र जी सीतापति क्यों कहा क्योंकि सीता जी जो उनकी पत्नी हैं वो पूर्णमासी जी का अवतार है तो इसलिए बता रहे हैं कि आपके पास अघटन घटन पटियासी जो योग माया जी हैं जो पूर्णमासी जी हैं है ना वो आपके साथ रहती हैं तो आप तो कुछ भी कर सकते हो ब्रजेंद्र नंदन को आप वहाँ से ले आए और नवदीप में अवतरित करा दिया और बता दिया कि नवद्वीप और ब्रज दोनों एक ही है इसमें जो कोई भेद बुद्धि करेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा वो कभी भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है हुँ? सब कुछ बता दिया आपने तो आप मुझ पर करुणा कर अपने द्वारा प्रचारित प्रेम रस की एक बूंद का आस्वादन देकर धन्य करो आपने जिस प्रेम रस का प्रचार करवाया ना ना आप होते ना गौर आते ना इतना प्रचार होता ना हरी नाम का प्रचार होता ना श्री राधा रानी के भाव का प्रचार होता ना उनके प्रेम की महिमा का प्रचार होता कुछ भी तो प्रचार होता ही नहीं कृष्ण तत्व का प्रचार नहीं होता भक्ति तत्व का प्रचार नहीं होता कुछ भी नहीं होता वृंदावन कौन प्रकट करता जो लुप्त हो गए थे वृंदावन को प्रकट करना लीलास्थलियों को प्रकट करना मतलब क्या नहीं किया वैष्णव सिद्धांतों को प्रकट करना वैष्णव दर्शन को प्रकट करना मंजरी भाव उपासना को उसका प्रचार करना और अनेक अनेक ग्रंथ देना ये सब आप ही के द्वारा हुआ क्योंकि आप ही तो गौर को लाए ना गौर आते ना ये सब कुछ मिलता हमें हम इतने बड़े धन से वंचित हो जाते तो सबसे पहले तो आप ही की वंदना कर रहे हैं कि आप सबको लेकर आए आप परम करुण हैं तो आप हमें भी इस प्रेम रस की एक बूंद का आस्वादन देकर धन्य कीजिए हे गौर भक्त वृंद आप गौर भक्त वृंद से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब तो ब्रज के ही पार्षद हो जग जन को ब्रज रस माधुरी आस्वादन कराने के लिए महाप्रभु के साथ अवतीर्ण हुए हो तुम सब की जय हो तुम लोग करुणा कर मेरा अभीष्ट सिद्ध करो क्योंकि ब्रज के मुकुटमणि हैं ब्रज के जो चंद्र हैं वो हैं कृष्ण चंद्र हुं? श्री राधा कृष्ण वही ब्रज के सर्वस्व हैं सर्वस्व धन है अब, अब उस धन को प्राप्त करने के लिए यहाँ के जो नित्य लोग हैं उनकी कृपा तो होनी आवश्यक है ना तो उनके जो नित्य पार्षद हैं ब्रजेंद्र नंदन के जो नित्य पार्षद हैं प्रिया प्रियतम के जो नित्य सखी मंजरियाँ हैं उनकी कृपा तो बहुत आवश्यक है और ये जितने भी ब्रज के पार्षद हैं सखी मंजरी सखा ये सब के सब नवद्वीप में श्रीमन महाप्रभु के पार्षद बन करके आए हैं है ना? तो है मगर ये सब ब्रज से ही तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप हमें ब्रज रस माधुरी आस्वादन कराने के लिए तो आए हैं यही, तो यही तो आपका कार्य है यही आपने आचरित करके दिखाया प्रचारित करके दिखाया ग्रंथ लिख करके दिखाया हम्म तो इस उद्देश्य को लेकर आए हैं तो हम आपकी राह देख रहे हैं आप हम पर करुणा कीजिए ताकि हमें भी वो प्रेम दुर्लभ प्रेम मिले जिससे हम प्रिया प्रीतम के माधुर्य का आस्वादन कर सकें उनकी प्रेम भरी सेवा कर सकें इसके पश्चात तीनों प्रभुओं और समस्त गौर पार्षदों के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि आप सभी मिलकर अपने गुणों से करुणा कर मुझे धन्य करो कि कोई पूछे भाई तुमने ऐसा क्या किया है कि हम तुम पर करुणा करें हा? हमें तो तुम में कोई गुण नहीं दिखते तो मानो श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हूँ कि हाँ ठीक है मुझ में कोई गुण नहीं है लेकिन आप तो करुणामय हैं ना करुणा के सिंधु हैं दर्शी हैं समदर्शी हैं तो आप जो है अपने गुणों से अपने ही गुणों से हम पर करुणा कर लीजिए हमारे गुण दोष मत गिनिए मैं तो अधम पतित हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे घृणा करके आप त्याग दें अगर मैं पतित हूँ तो आप भी तो पतित पावन हो यही तो कह रहे हैं गुरुदेव कि मैं अधम अधम पतित पतित तो तो क्या? तुम सब भी तो तारण पावन हो, यही भरोसा लेकर तुम्हारे चरणों में शरण लिए क्योंकि इस जगत में देखिए एक बात मैं आपको बताऊं इस जगत में एक अजीब सा हिसाब है यहाँ पापियों को सजा दी जाती है किसी ने कोई गलती की किसी से कोई पाप हो गया अपराध हो गया तो सजा दी जाती है और सजा दे के भी अपराध या पाप की प्रवृत्ति समाप्त तो नहीं होती है सजा लेने के बाद भी हम्म और इस जगत में अगर कोई किसी के पाप के बारे में जाने तो वो उसकी हंसी उड़ाएगा उसे नीचे निगाह से देखेगा ये नहीं कि वो उसे ऊपर उठाए और ऊपर लाने की कोशिश करे सुधारने की कोशिश करे नहीं उंगलियां उठाना सबको आता है है ना ये इस जगत की रीति है लेकिन हमारे ठाकुर जी वो क्या करते हैं हमारे ठाकुर जी सिर्फ प्रेम देखते हैं कि हमारे हृदय में कितना प्रेम है उनके लिए पाप आदि तो देह की वस्तु है आत्मा की वस्तु नहीं है पाप आत्मा को नहीं छूता है पाप देह का कर्म है इसलिए देह पर शामद आती है देह को सजा मिलती है लेकिन ठाकुर जी देखते हैं कि मन में क्या है मन किस में रमा पड़ा है मन क्या पाप में रमा पड़ा है नहीं मन तो भगवान आपके चरणों में रमा पड़ा है तो फिर क्या होगा तो फिर भगवान की जो सुदृष्टि है कृपामय दृष्टि है वो इस तरह से पड़ेगी कि उनके महत हमारे जीवन में आते हैं और हमारे अंदर के समस्त अनर्थ समाप्त तो हो जाते हैं और हम एकाग्र चित्त से भगवान का भजन करने लगते हैं तो इसीलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि बेशक मैं अधम हूँ पतित हूँ लेकिन मैंने ये सुना है मैं जानता हूँ अनुभव किया है कि आप पतित पावन हैं नित्यानंद प्रभु ने तो पहले ही बोल दिया अगर कोई पतित हो तो आओ आओ मेरे गौरचंद्र का अवतार हुआ है मेरे गौरचंद्र हैं मेरे गौरचंद्र मुझसे पूछेंगे भाई पतितों का उद्धार किया तुमने पतितों को लाए और पतितों को लाओ नाम रूपी महाधन देंगे उनका उद्धार होगा पतित कहाँ हैं कहाँ हैं पतित अरे जितने भी पतित हैं मेरे पास आ जाओ हमारे नित्यानंद प्रभु तो जो है एकदम पुकार रहे होते हैं दोनों हाथों को फैला करके आ जाओ भाई पतित कहाँ हो आ जाओ पतितों का ही इंतजार है है ना उन्होंने तो महाप्रभु को बोल दिया महाप्रभु इस अवतार में सुदर्शन चक्र से काम नहीं चलेगा आप जो जगाई मधाई के लिए सुदर्शन चक्र का आह्वान कर रहे हैं चलेगा नहीं काम बेशक उन्होंने मेरा माथा फोड़ दिया है मधाई ने और रक्त की धार बह निकली है मेरे माथे से लेकिन तो भी आप तो आपका जो अवतार है वो तो इनके पापों को समाप्त करने के लिए है इनके पाप की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए है इनको सुधारने के लिए है मारने के लिए नहीं है वो तो बहुत कर लिया आपने तो ऐसे हमारे प्यारे निताई चांद हमारे प्यारे निताई गौर अद्वैत प्रभु श्री गदाधर पंडित शिवास पंडित और अन्य समस्त गौर पार्षद ये सब करुणामय हैं यही भरोसा लेकर मैं इन चरणों की शरणागति लेता हूं शरण ली है यदि शिवन महाप्रभु कहे ठीक है शरण ले ही ली है इतनी बातें बोल दी हैं तुमने तो बताओ तुम चाहते क्या हो मुझसे क्या करूं मैं तुम्हारे लिए तुम मेरी शरण में आ गए तो कोई तो मांग होगी तो बोल रहे हैं ए तीन संसार माजे तू अपदार भाविया देखी नु गति नहीं यार पहले तो बहुत इच्छा थी लेकिन अब एक ही बात समझ आ रही है कि आपके चरण को ही मैं सार करना चाहता हूं हे गौर हरी आपके चरण ही मेरा सार है मैं आपके चरणों को पाना चाहता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा मन में सोच लिया चिंतन करके देख लिया और गति नहीं है आपके चरण ही एकमात्र गति है प्रभु मैं आपसे दूसरी वस्तु क्या चाहूंगा आपके चरण ही सभी प्रार्थनाओं के सार हैं प्राण वस्तु हैं तो प्रश्न हो सकता है कि शीला ठाकुर महाशय श्री राधा कृष्ण की श्री पाद पद्म सेवा की कामना करते हैं यही तो हम पिछली प्रार्थनाओं में सुनते चले आ रहे हैं राधा कृष्ण प्राण मोर है ना जुगल किशोर जीवने मरणे गति आर नहीं मोर है ना राधा कृष्ण सेवा पाऊं मुई जीवने मरणे हर जगह यही सब बोलते आ रहे हैं तो अब बोल रहे हैं कि हरि मैं तो बस आपके चरण को सार मान लिया आपके चरण ही सार हैं यही प्राण वस्तु है तो इसका मतलब क्या है क्या भूल गए अपनी पिछली प्रार्थनाओं को पिछली अभिलाषाओं को क्यों कह रहे हैं ऐसा कि चरण ही उनके एकमात्र काम्य वस्तु हैं तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ब्रजलीला का ही परिशिष्ट है श्री गौर लीला।, गौर लीला से ही ब्रज लीला प्रारंभ होती है और ब्रज लीला का जो उत्कर्ष है वो गौर लीला में है गौरलीला है क्या श्री राधा रानी महाभाव अपने मोहन आख्या महाभाव में विरह भाव में श्री कृष्ण रस माधुरी का आस्वादन कर रही हैं। श्री कृष्ण माधुरी का आस्वादन कर रही हैं, नाम माधुरी का आस्वादन कर रही विरह में कातर हैं। तो श्री चैतन्य चरिता अगर हम पढ़कर देखते हैं श्री कृष्णदास का गोस्वामी जी का ग्रंथ तो आप ये पाएंगे कि वहां पर ब्रजलीला के अलावा और कुछ नहीं है महाप्रभु की लीला में ब्रजलीला ही है लेकिन वो वो बहुत ही गहन रूप में है बहुत ही गंभीर रूप में है और ब्रजभक्ति का सार ब्रजभक्ति सिद्धांत ब्रज का रस ब्रज का प्रेम व्यक्ति जान ही नहीं सकता अगर वो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरणागति ना ले और वो श्री चैतन्य चरितमृत का अनुशीलन ना करे वो जान ही नहीं पाएगा उसे लगेगा जैसे कि हमें पहले जब हम छोटे छोटे थे तो बचपन में हम पढ़ते थे तो हमारे हिंदी के टेक्स्ट में हिंदी के जो क्लास की किताबें होती थी उसमें लिखा होता था गौरांग महाप्रभु वो भी नहीं लिखा होता था श्री चैतन्य महाप्रभु लिखा होता था श्री चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में संकीर्तन प्रारंभ किया बस इतना ही जानते थे परंतु वो स, वो इतने गूढ़ हैं, वो स्वयं रसराज महाभाव का एकीकृत रूप है वो प्रेम विग्रह है वो प्रेम मूर्ति है वो प्रेम अवतार हैं प्रेम पुरुषोत्तम अवतार हैं जैसे श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम अवतार हैं श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार हैं मेरे प्यारे गौर हरि मेरे प्यारे गौरांग महाप्रभु प्रे, प्रेम पुरुषोत्तम अवतार हैं प्रेम दान देने के लिए ही प्रेम रस में सबको स्नात और भिगाने के लिए ही वो प्रकट हुए हैं कृपा करके कैसे पता चलेगा बिना भजन के बिना श्री चैतन्य महाप्रभु के जिन्होंने मतलब जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण की शरणागति ली है उनकी शरणागति लिए बगैर ये तत्व नहीं आएगा अनुभव में हम ऊपर ऊपर से तैर कर चले जाएंगे इसीलिए पर गुरुदेव कह रहे हैं कि ब्रज के ठाकुर स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री राधा की भाव कांति अंगीकार कर राधा माधुरी आस्वादन के लिए ही गौर हुए हैं है ना भाई ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ने जब श्री राधा रानी का प्रेम देखा तो उन्होंने सोचा मैं खुद अपनी माधुरी का विषय होकर के आस्वादन करता हूँ ऐसा नहीं है कि मैं अपनी माधुरी का आस्वादन नहीं करता मैं जितना अपनी माधुरी का आस्वादन करता हूँ मतलब दसियों दिशाएं भर जाएँ उस आस्वादन से इतना विपुल आस्वादन है मेरा लेकिन जब मैं श्री किशोरी जी को देखता हूँ कि वो अपने प्रेम के माध्यम से जो मेरी माधुरी का आस्वादन कर रही हैं उसका तो मैं एक बूंद भी नहीं कर पा रहा हूँ उनका जो आस्वादन है तो वो आस्वादन भला क्या है तो तीन वांछाएं उत्पन्न हो गई ब्रजेंद्र नंदन के हृदय में कि ये श्री राधा रानी का प्रेम ये कैसा प्रेम है इसका आस्वादन क्या है और इस प्रेम से जो ये मेरा माधुर्य अनुभव करती हैं वो मेरी मधुरिमा ही कैसा है और इस प्रेम के द्वारा मेरी मधुरिमा को आस्वादन करके इन्हें क्या सुख मिलता है इस प्रेम से इन्हें क्या सुख मिलता है ये क्या है ये इतनी सारी इच्छाएं उनके हृदय में उत्पन्न हुई और अपनी इन अंतरंग इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए और बाहरी रूप से समस्त लोगों को प्रेम देने के लिए आनुषंगिक रूप से हमारे प्यारे ब्रजेंद्र नंदन आ गए श्री गौरहरी के रूप में हम्म तो उन्होंने राधा माधुरी आस्वादन किया है प्रिया जी के प्रेम का आस्वादन किया है और अपने आश्रित जनों को ब्रज के निगुड़ रस का आस्वादन देकर धन्य किया है श्री राधा कृष्ण के अनंत लीला प्रवाह का मूल उत्स ही गौर लीला है जो अनंत लीला प्रवाह है ना प्रिया प्रियतम का प्रेम क्या है प्रिया प्रियतम क्या तत्व है श्री राधा कृष्ण का निगूढ़ प्रेम रस विलास क्या है ये अपनी बुद्धि में कभी नहीं आने वाला समझने समझ नहीं सकते हम लोग ये तो अंदर अनुभव में लाते हैं गुरुदेव और गौरांग महाप्रभु के चरणाश्रित जितने भी भक्त हैं यानी कि गुरुदेव ही तो भक्त हैं पहले भक्त तो गुरुदेव हो गए और फिर बाकी जो भी श्रीमन महाप्रभु के पार्षद हैं उनकी कृपा हमारे गोस्वामियों की कृपा ये भी गुरुवर्ग हैं इन सब की कृपा से ही ये सब अनुभव में आता है कि गौर लीला ब्रज लीला का मूल उत्स है स्रोत है हुं? देखिए हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो कि श्री राधा रानी की कस्तूरी मंजरी हैं उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया है क्या बोलती हैं कृष्ण लीला अमृत सार दिगे बहे जहा होते चैतन्य लीला हो चैतन्य लीला होए सरोवर अये मनोहंस चरा होता हाते उन्होंने कह दिया है कि चैतन्य लीला श्री कृष्ण लीला अमृत का अक्षय सरोवर है अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता जो कभी समाप्त नहीं होता ऐसा महान सरोवर है और उसमें से क्या बहता है उसमें से कृष्ण लीला रूपी अमृत की धारा कृष्ण लीला तो अमृत है ना अमृतमय है अमृत से भी महान है उसकी धारा बता रहे हैं एक धारा नहीं शत शत धार सैकड़ों सैकड़ों धाराएं चारों तरफ से निकल रही हैं एक तो सरोवर है मात सरोवर है ऐसा नहीं है सरोवर की अनेक धाराएं हैं सैकड़ों सैकड़ों धाराएं निकल रही हैं और दस दीघे बहे जहा होते वो जो सरोवर अक्षर है उसके अंदर हे भक्तगण अपने मन रूपी हंस को चराने भेज दो क्योंकि आपका जो मन रूपी हंस है ना वो कृष्ण लीला रूपी अमृत का पान करके ही तृप्त होगा अन्यथा उसकी तृप्ति असंभव है जितना भी भाग लो दौड़ लो महाप्रभु के बिना कुछ भी प्राप्ति यानी असल आनंद की प्राप्ति असंभव है इसलिए जैसे जैसे साधक का मन श्री गौर चरणों में एकांत भाव से निविष्ट होगा उसी के अनुरूप उसके हृदय में श्री राधा चरण कमल सुधाम्बू राशि उच्छलित तो होगी गुरुदेव कहते हैं जैसे जैसे हमारा मन श्री गौर चरण में निवेशित होगा लगता जाएगा मन में गौर सुंदर बसते चले जाएंगे उनके लिए हाहाकार उत्पन्न होता जाएगा अचानक किसी एक दिन हम देखेंगे कि श्री राधा रानी के समस्त भाव हमें समझ आने लगे श्री राधा रानी के चरण हमें दिखने लगे श्री राधा रानी की लीलाएं हमें दिखने लगी तो इसीलिए हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने श्री चैतन्य चंद्रामृत में कहा उन्होंने जिन्होंने की श्री राधा रस सुधा निधि लिखी वो स्वयं कह रहे हैं यथा यथा गौर पदार विंदे विंदे भक्तिम पुण्य राशि तथा तथोत सरपति हृदय कस्मात राधा पदाभुज सुधामशि कि जितने जितने मात्रा में जैसे जैसे गौर चरणों में रति जागृत होगी तैसे तैसे हृदय में अकस्मात श्री किशोरी जी के जो चरण कमल हैं उसकी जो सुधा है उस वो उसकी जो सुधा राशि है वो प्रवाहित होने लगेगी तो देखिए कितनी बड़ी बात है गौर हरि का भजन का रहस्य क्या है सोचिए ये सब गौर देंगे इसलिए श्री ठाकुर महाशय कहते हैं कि मेरे हृदय में गौर चरण प्राप्ति के लिए सतत खेद या आरती जगती है मैं सर्वदा व्याकुल चित्त होकर रोदन करता हूँ से पद पाबार आशे खेद उठे मने व्याकुल हृदय सदा कोरिए कृंदने गुरुदेव कहते हैं कि जो भगवान के अभाव में हृदय की व्याकुलता और सुतीव्र आकुति ही प्रेम का अनुभव है अगर कोई व्यक्ति कहता है देखिए मैं एक मैं एक बहुत साफ बात कहती हूँ अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे भगवान से प्रेम है या कोई कहता है अरे आप लोग नियम करते हो नियम पालन करते हो हम तो प्रेम के राज्य में विचरण करते हैं तो उसका जो लिटमस टेस्ट है वो ये है जो गुरुदेव ने कहा गुरुदेव ने कहा अगर किसी के अंदर प्रेम है तो उसका एक अनुभव आएगा अनुभव का मतलब होता है जो शरीर पर एक लक्षण प्रकट होगा और वो होगा वो जो लक्षण है उसकी आत्मा में उसके शरीर पर प्रकट होगा और वो ये कि उसके हृदय में भगवान के भगवान का तीव्र अभाव जागृत हो जाएगा उसके हृदय में रुदन ही रुदन होगा क्रंदन ही क्रंदन होगा अश्रुपात होते रहेंगे हाहाकार करता रहेगा भगवान के अभाव में हृदय की सुतीव्र आकुति ही प्रेम का महाकार्य है महालक्षण है अगर किसी के हृदय में ये विरह नहीं उत्पन्न होता है और वो ये बार बार कहे कि हम तो प्रेम के राज्य में विचरण करते हैं हम व्रत वगैरह नहीं करते या हम लोग जो है तपस्या अन्य चीज़ें नहीं करते हम लोग जो है ये सब नहीं करते हम तो महाप्रेमिक हैं और अगर ये लक्षण नहीं प्रकट हो रहे हैं अगर प्रिया प्रियतम के लिए हाहाकार प्रकट नहीं हो रहा है हृदय में कोई हाहाकार नहीं है बस हम आते हैं बैठते हैं गाते हैं सुनते हैं और चले जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हम तो बहुत प्रेम करते हैं तो फिर फिर से चेक करने की जरूरत होगी अपने आप को कि वाकई क्या यह प्रेम है क्योंकि प्रेम का यह बहुत बड़ा लक्षण है हृदय की व्याकुलता और भगवान का अभाव अभाव तो उठा ही नहीं हृदय में तो प्रेम क्या करते हैं गुरुदेव कहते हैं अभीष्ट वस्तु को पाने के लिए प्रेमिक के हृदय को महाव्याकुलता से अनुप्राणित करना ही प्रेम का कार्य है आपको जो प्रेम है ना शिथिल नहीं होने देगा आ, हमारे भजन को शिथिल नहीं होने देगा कि एक जो है निश्चित संख्या में हमने हरिनाम कर दिया और आज हमने कथा भी सुन ली अच्छा लगा कथा सुन करके और उसके बाद अपने परिवार के साथ गए और बाहर पार्टी वार्टी भी करिए है।, है ना और हम भक्ति भी कर रहे हैं ये प्रेम का लक्षण नहीं है गुरुदेव ने बोला कि अभीष वस्तु को पाने के लिए प्रेम एक के हृदय को महाव्याकुलता से अनुप्राणित करेगा अगर ये प्रेम नहीं है तो इसका मतलब है कि जो भक्त का जीवन है वो प्राणहीन है और महाव्याकुलता अगर है तो इसका मतलब भक्त का जीवन प्राण युक्त है वाकई उसका जीवन जीवन है उसके अंदर प्राण है हम्म और यह प्रेम ही यही प्रेम जो हाहाकार हो रहा है निरंतर अहरनिश रात दिन वही जब चरम उत्कर्ष पर जाएगा तो उसे महाभाव कहेंगे महाभाव चरम उत्कर्ष पर मगर वो चरम उत्कर्ष को ये शरीर नहीं ले पाएगा और अगर किसी को बहुत अधिक प्रेम हो गया तो भी यह शरीर चला जाता है फिर अगला जो भाव है वह है स्नेह फिर मान फिर प्रणय फिर राग फिर अन, फिर अनुराग फिर भाव फिर महाभाव ये सारे जो क्रम हैं प्रेम के वो जो है वो इस शरीर में नहीं मिलेंगे वो गोपी देह में ही प्राप्त होगा ये हम चर्चा कर चुके हैं तो गुरुदेव कह रहे हैं कि यह है महाभाव जो है वो एकमात्र गोपियों का हृदय ही जानता है तो ये महाभाव नंद बाबा में भी नहीं है यशोदा मैया में भी नहीं है ये महाभाव किसी सखा में भी नहीं है ब्रज में किसी दास में भी नहीं है सब में अनुराग तक प्रेम उठता है लेकिन महाभाव सिर्फ गोपियों में है और प्रिया जी तो महाभाव स्वरूप नहीं है बनी ही महाभाव से है हुं? तो ये समझना होगा तो गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो श्रीमद भागवत में हम देखते हैं कि जब रास की रात्रि थी और श्री कृष्ण जो है वो रास छोड़ करके चले गए तो गोपियों ने मालती जब गोपियाँ एकदम धैर्य खो गई माने उन्होंने धैर्यों को धैर्य को खो दिया श्रीकृष्ण वियोग में तो श्रीकृष्ण को ढूंढ रही हैं कभी मालती लता से पूछ रही हैं कभी माधवी लता से पूछ रही हैं कभी आम के वृक्ष से कभी तुलसी जी से कभी अशोक वृक्ष से कृष्ण के विषय में पूछ रही थी महाव्याकुलता में वो तन्मय हो गई बाह्य जगत का ज्ञान तक खो बैठी और जब इन प्रेम पगलियों को श्री कृष्ण नहीं मिले तो अंत में यमुना तट पर व्याकुल भाव से के लिए रुदन किया उनका वही रुदन, है ना महाव्याकुलतामय रोदन या रुदन या रोना रासलीला की मध्यमणि गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध है गोपी गीत आपने सुना है आप जानते हैं कितना करुण गीत है कैसे रो रो करके कितना कुछ कह रहे हैं हमारी प्यारी गोपियाँ गुरुदेव कहते हैं उसी महाशोक उच्छ्वास की करुण ध्वनि आज भी नीरव निशीध में यमुना पुलिन पर प्रेमिक साधक के हृदय तंत्री में जंकृत होती है अगर कोई रात को बैठकर लीला चिंतन करे और यमुना जी के पुलिन के बारे में सोचे और उस शारदीय रात्रि के बारे में सोचे कि महारास के समय कैसे श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए और वो महाभावती गोपियाँ जो कि एक पलक का व्यवधान भी नहीं सह सकती हैं कृष्ण दर्शन में वो देख रही कि कृष्ण अचानक हमें छोड़कर चले गए जिन्हें पाकर हम धन्यति धन्य हो गई थी वो कृष्ण रूपी धन को खोकर उनकी क्या अवस्था हो गई हम सोच नहीं सकते क्योंकि हमने कभी कृष्ण को प्राप्त नहीं किया तो कृष्ण के कृष्ण खो जाएंगे उस दर्द को हम क्या जाने कृष्ण के खोने का दर्द हम क्या समझेंगे एक तो कृष्ण की प्राप्ति बहुत मुश्किल से महाभावती हैं तो कृष्ण प्राप्त हैं उनको और प्राप्त होकर भी वो चले गए तो उनकी महाव्याकुलता ऐसी कि वो तन्मय हो गई कृष्ण में भूल गई कि बाहर का जगत क्या है बाहरी जगत का अनुसंधान एकदम भूल गई वो और आज भी कोई इस लीला को सोचे तो गंभीर रात जिस समय सब जगह सुनसान है तब ऐसे में यमुना पुलिन पर वो जो गोपी गीत रूपी ध्वनि है वो प्रेमिक हृदय के हृदय तंत्री पर झंकृत होती है प्रेमिक साधक है उनके हृदय तंत्री पर झंकार करने लगती है याद आ जाता है आकाश वायुमंडल व्यापी वह विशाल आर्तनाद मानो सारे विश्व प्रकृति को आसमो से स्नात कर रहा है आज भी उस करुण गोपी गीत झंकार का विराम नहीं विश्राम नहीं गोपी गीत आपने सुना होगा तो उस गोपी गीत में कितनी कितनी वो करुण स्वर हैं वो श्लोक कितने महाव्याकुलता को संजोए हुए हैं गोपियों का हृदय उन उस हृदय का आर्तनाद उन श्लोकों के रूप में बाहर हुआ है बहुत ही विशाल आर्तनाद है और आज भी भक्तों को वो खींचता है अपनी तरफ कार्तिक का मास है हम लोग रोज ही गोपी गीत का आस्वादन करते हैं और बारंबार सोचते हैं कि धन्य है ये गोपियां और धन्य है इनका प्रेम प्रेम क्या महाप्रेम महाभाव तो आज भी वो समस्त विश्व को प्रकृति को आंसुओं से नहला रहा है वो गोपी गीत पत्थर दिल होगा वो जो गोपी गीत को सुन करके द्रवित नहीं होता हम्म जिसके अंदर थोड़ा सा भी भजन थोड़ी सी भक्ति होगी उसे महाप्रेमिक भक्तों यानी कि गोपियों का वो जो क्रंदन है आकर्षित करेगा ही तो गुरुदेव कह रहे हैं ये भक्त की परम आस्वाद्य है गोपी गीत करुण है और व्याकुलतामय है इसीलिए इतनी मधुर है बहुत लोग गोपी गीत गाते हैं बहुत लोग गोपी गीत को पसंद करते हैं क्यों क्योंकि करुण है और महाव्याकुलता है उसके अंदर इसलिए इतना आस्वाद्य है तो इतना करुण इतना विरहात्मक गीत हमें इतना पसंद है तो सोचिए विरह में कितना रस है हु? उस विरह रस का आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए है ना तो गुरुदेव कहते हैं कि उसी गोपी भाव के साधक के चित्त में ईष्ट के लिए यदि कुछ भी अभाव नहीं जागृत होता तो उसकी साधना निष्प्राण है हम अपने को कहते हैं हम तो गोपी भाव का भजन कर रहे हैं हम तो गोपी भाव का भजन कर रहे हैं हम तो राधा कृष्ण का भजन कर रहे हैं हम तो जी नित्य ऐसे लाड़ लड़ाते हैं लाडली जी आ, के बारे में चिंतन करते हैं लेकिन गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि अगर गोपी भाव का गोपी गीत हमने सुना हमें पसंद आया हम हम आकुल व्याकुल हुए लेकिन जब हम अपनी साधना करते हैं राधा कृष्ण की साधना करते हैं और हमारे अंदर जरी भी व्याकुलता नहीं होती उन्हें पाने की उनकी सेवा पाने की उनकी मधुरिमा का आस्वादन करने की उनकी मुरली नाद को सुनने के लिए तो फिर ये जो हमारा भजन है वो क्या है निष्प्राण भजन है प्राणविहीन भजन है प्राणविहीन भजन है इसलिए हमारे गुरुदेव प्यारे गुरुदेव इस बात पर प्रकाश डाल रहे हैं कि अरे देखो तुम अपने गोस्वामियों को देखो श्री रूप सनातन रघुनाथ आदि गोस्वामी गण ने इसी वृंदावन में बैठकर कैसा अद्भुत व्याकुलता में भजन किया है उसका स्मरण करके भी साधक का चित्त व्याकुल हो उठता है कृष्ण उत्कीर्तन कीर्तन नाग गान नर्तन परो प्रेमाता भू निधि है ना खेदेर महाविवले बहुत कुछ लिखा है श्रीनिवासाचार्य जी ने इन षट गोस्वामियों के बारे में षट गोस्वामी अष्टकम में जहाँ पर वो बार बार कह रहे हैं कि इतने खेद से महाविवल होकर के वृंदावन में गोवर्धन में राधा कुंड में सब जगह खोजते फिर रहे हैं अपने अभीष्ट को कि हे राधा माधव हे राधा कृष्ण तुम कहाँ हो कुछ तो संधान दो कुछ तो बताओ हु? तड़पते फिर रहे हैं ऐसी तो उनकी ऐसी साधना की क्या बोलें कांदे गोसाई रात्र दिने पुड़े जाए तनु मने रात दिन रघुनाथ दास गोस्वामी जी रो रहे हैं उनका तन मन जल रहा है विरह में आपन देह भार अश्रु ही अश्रु हैं निराहार हैं और अपना देह ही भार बन गया है तो ऐसे गोस्वामियों की संतान होकर हम ऐसा भजन कर रहे हैं मैं अपनी बात कर रही हूं कि जो बिल्कुल निष्प्राण है जहां कोई व्याकुलता नहीं कोई आरती नहीं कोई उत्कंठा नहीं बस भजन के लिए भजन चल रहा है हाँ चलो जी अब योग पीठ कर लेते हैं मेरा मंत्र हो गया मेरा मंत्र होने में जी मुझे डेढ़ घंटे लगते हैं हाय हाय मैंने कोई अपराध तो नहीं कर दिया मेरा मंत्र होने में डेढ़ घंटे लगते हैं अरे अगर <laughs> उसके अंदर हम डूबेंगे वाकई श्री कृष्ण की माधुरी में डूबेंगे तो डेढ़ घंटे की बात कर रहे हो आप डेढ़ दिन दो दिन चार दिन भी लग सकते हैं उसमें क्या है है ना अगर डूब पाए गौरहरी की कृपा से तो गुरुदेव कहते हैं श्रील नरोत्तम ठाकुर महाशय उन लोगों के अशेष करुणा पात्र हैं इसीलिए श्री गौर गोविंद के लिए उनका ऐसा व्याकुलतामय रोदन है इसके पश्चात कह रहे हैं की रूपे पाई वो किचू ना पाई संधान प्रभु लोकनाथ पद नाहीिक स्मरण हाय हाय श्री गौर चरण की प्राप्ति मैं कैसे करूंगा कोई उपाय नहीं यदि श्री गुरुदेव के चरणों में निष्ठा होती तो श्री गुरु कृपा से अभीष सिद्धि हो जाती किंतु श्री गुरु प्रभु लोकनाथ का चरण स्मरण नहीं कर पाता हा हा प्रभु हा श्री गुरु आप कृपा हैं है, अपने गुणों से करुणा करके एक बार इस दीन जन्म पर कृपा दृष्टिपात करो कि ठीक है मैं गुरुदेव आपको याद नहीं कर पाता आपके प्रति निष्ठा नहीं होती हालांकि अगर इस बात पर गौर किया जाए तो बड़ी अजीब सी बात है भगवान को तो हमने देखा नहीं हम तो एक चित्रपट लेकर आ गए गुरुदेव ने ही बताया कि ये भगवान है मैंने इन्हें प्राण प्रतिष्ठित कर दिया है ये तुम्हारी सब सुन रहे हैं तुम्हें देख रहे हैं तुम्हें जान रहे हैं तुम्हें समझ रहे हैं और हम देखते भी हैं कि हाँ भाई एक विग्रह को गुरुदेव ने प्राण प्रतिष्ठित कर दिया देख रहे हैं वो तो बड़े कान उठा करके कथा भी सुन रहे हैं वो कभी खुश होते हैं तो उनकी खुशी से पूरा घर आलोकित तो हो जाता है मुस्कुराते हैं तो और कई बार वो एकदम ऐसे हो जाते हैं मुरझाए से रह जाते हैं दुखी हो जाते हैं उनके सारे भाव नज़र आ रहे हैं दिख रहे हैं पता चल रहा है गुरुदेव ने प्राण प्रतिष्ठित कर दिया है है ना गुरुदेव ने बताया लेकिन उन्होंने बताया कि भगवान है उनके लिए क्रंदन करो हम सोचते हैं कि हाँ भगवान है भगवान है भगवान है। लेकिन गुरुदेव साक्षात कृष्ण है गुरुदेव में और श्री कृष्ण में अभेद है यही तो शास्त्र बोलते हैं है ना हमारे गुरुदेव तो साक्षात श्रीवन महाप्रभु हैं यही तो बोला है ना शास्त्रों ने लेकिन उनमें हमारी निष्ठा बुद्धि नहीं आई लेकिन हम उनसे कहते हैं कि हमें महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गुरुदेव आप कृपा कर दीजिए साधक फिर भी कह लेगा लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो कहेंगे कि गुरुदेव हम आपके पास आए अब हमारे घर में ये अशांति है अब वो है ये है इसे ठीक कर दो वो कर दो ये कर दो वो कर दो लेकिन श्री लोकनाथ गोस्वामी जी जो गुरुदेव हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के उनके लिए कह रहे हैं श्री ठाकुर महाशय कि मैंने इतनी बड़ी बातें कर दी कि चरण ही चाहिए राधा कृष्ण ही चाहिए लेकिन कैसे पाऊंगा कुछ समझ नहीं आता क्योंकि गुरु कृपा के बगैर इन चीजों की प्राप्ति असंभव है श्री कृष्ण ही गुरु रूप में आकर के सब कुछ प्राप्त कराते हैं और उन्हीं के चरणों में अगर हमारी निष्ठा नहीं होती उन्हीं के प्रति द्वेष भाव होता है उन्हीं पर अविश्वास होता है तो ये तो बड़ा ही कष्ट का विषय है इसीलिए हमें नरोत्तम दास ठाकुर महाशय मानो सावधान करते हैं ऐसा नहीं कि उन्हें अपने गुरुदेव के चरण भूल गए ऐसा नहीं वो भूले नहीं है कहीं भी लेकिन वो हमें सावधान कर रहे हैं कह रहे हैं कि अभीष्ट सिद्धि हो जाती लेकिन गुरुदेव के चरण स्मरण नहीं कर पाता लेकिन गुरुदेव आप तो कृपामय हैं है। आप अपने गुणों से करुणा कर एक बार इस दीन जन पर कृपा दृष्टिपात कीजिए और मेरे हृदय का अविद्या तिमिर यानी अविद्या रूपी अंधकार नष्ट कर मुझे प्रकाशमय भक्ति राज्य में ले जाइए तुम ही तो दयाल प्रभु चाहो एक बार चाहो माने देखो एक बार नरोत्तम हृदय घुजाओ अंधकार तो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय प्रकाशमय भक्ति राज्य में जाना चाहते हैं वस्तुतः वो ये हमारे लिए कह रहे हैं जब बहुत दीनता बढ़ जाती है ना प्रेम के पकने के बाद प्रेम जब पूरी तरह से पका हुआ है तब दीनता बहुत आ जाती है तब व्यक्ति को लगता है कि हाँ मेरे जैसा अधम कोई नहीं है और मेरे अंदर तो अविद्या का अंधकार फैला हुआ है और भक्ति राज्य में भी मेरा दूर दूर तक प्रवेश नहीं है गुरुदेव कृपा करेंगे तो कुछ हो पाएगा अन्यथा कुछ संभव नहीं है तो नरदमदास ठाकुर महाशय वस्तुता हमें ही सावधान कर रहे हैं हमें ही शिक्षा दे रहे हैं और बहुत ही सुंदर प्रार्थना रही एक और प्रार्थना आपके लिए आपके लिए लेकर उपस्थित होंगे शिमन महाप्रभु ने चाहा तो आज की भागवती कथा इसी के साथ यही विश्राम लेती है जय जय श्री राधे श्याम श्री निताई गौर सिद्धनाथ प्रेमनंदे हरि बोल